परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आकर आपने आपको समर्पित करते हैं और प्रभु सब वचन के सुनने वालों पर और सब विश्वास करने वालों पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे ये आपसे निवेदन करते हैं, ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वाले नई सृष्टि बन जाएं और हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो, ताकि सारी महिमा परमेश्वर की हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। आपसे विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन हम सबके हृदय में अद्भुत कार्य करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन तैयार हो। हम अपने जीवन को समर्पित करें ताकि पवित्र आत्मा हमें नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उत्तम समय के लिए और परमेश्वर की इच्छा और योजना के लिए जो हम सबके जीवनों में प्रकट होनी चाहिए। अनमास्किंग द फ्लैश इन द लाइफ ऑफ किंग सॉल। राजा शाऊल के जीवन में शारीरिक स्वभाव को बेनकाब करना, आज हम इस विषय पे अध्ययन करेंगे। शाऊल इज़राइल का पहला राजा था, ही इज द फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल। और शाऊल जो था, ये पहला शाऊल को राजा बनाने को लेकर परमेश्वर की प्रतिक्रिया, परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया थी जब इज़राइली लोगों ने शाऊल को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की। पहला सैमुएल 8 अध्याय का 7 पद पढ़िए, परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी परमेश्वर चाहता था कि वो राजा बने, और यहोवा ने सैमुएल से कहा वे लोग यानी इज़राइली जो कुछ तुझसे कहें उसे मान लेना, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु यानी परमेश्वर को, जो राजा था उसे छोड़कर परमेश्वर की प्रजा राजा की डिमांड कर रही है, इसीलिए परमेश्वर उससे कहने लगा है मुझको तुझको नहीं, वो मुझी को निकम्मा यानी जाना है, इसलिए वो राजा मांग रहे हैं। अन्य देशों के लोगों के राजाओं की तरह इज़राइल भी राजा की मांग करने लगे, लेकिन इज़राइली लोग करने लगे। इज़राइलियों का एक राजा था अर्थात परमेश्वर, और वे परमेश्वर को राजा के रूप में ग्रहण नहीं करते थे, इसलिए वो उससे कह रहे राजा। पहला सैमुएल 8 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए, पहला सैमुएल 8 अध्याय का 5 पद। उससे कहने लगे सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पे नहीं चलते हैं, पर अब हम पर न्याय करने के लिए सब यानी सब राष्ट्रों के सब देशों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। अब परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शैमुएल को बुरी लगी। मालूम क्यों शैमुएल को इसलिए बुरी लगी, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ थी, परमेश्वर की व्यवस्था के भी खिलाफ थी। परमेश्वर लोगों को उनकी जिद के अनुसार वो जो वो चाहते हैं उन्हें करने की अनुमति देकर उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने देता है। मालूम क्यों ये हमेशा हर विश्वासी के जीवन में भी होगा और हो रहा है और होता रहेगा, ताकि वो देख सके, वो व्यक्ति जो जिद कर रहा है अपने मन की करना चाह रहा है, वो ये देख सके कि वो अपनी इच्छा के लिए जिद करके कुछ प्राप्त करने से उनको उसका नुकसान दूसरे लोगों को सीखने के लिए उदाहरण दे सकने के लिए काफी है। इसलिए परमेश्वर होने देता है कि होने दो, ये इनके जीवन में जो उसका बुरा इफेक्ट आएगा वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो कुछ लोग
जीवन जिनका बर्बाद होता है परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरोध में जाते हैं, वो विश्वास करने वालों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बन जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर अलाव करता है कि ये होने दो, देखने को मिले। भजन संहिता 106 अध्याय का 15 पद पढ़िए, भजन संहिता 106 अध्याय उसका 15 पद। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। परमेश्वर कभी कभी आप इरिटेट कर देंगे कोई चीज जिद करके, जैसे आपका बच्चा, हमारा बच्चा जिद करे या कोई चीज जिद करके मांगे, तो बिना खुशी के जब कोई चीज दी जाती है खिसिया के, तो वो चीज नुकसान पहुंचाती है। ठीक परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है, लोग बहुत जिद करते हैं तो वो करता तो अलाउ तो कर देता है, लेकिन वो लोगों के लिए बहुत खराब साबित होती है। ये हमेशा अच्छी बात नहीं है, नहीं होती है जब परमेश्वर वो होने देता है जो हम और आप चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर ने उनको अलाउ कर दिया कि जो बोल रहे हैं दे दो राजा। ये परमेश्वर ने जब बोला ना, ये वाली भावना, बहुत कम लोग इतने सेंसिटिव हैं स्पिरिचुअली कि वो इस बात को समझ पाए। और कई बार मनमानी करके और विश्वासी लोग लोगों के सामने ये गलत एग्जांपल्स रखते, देखो प्रभु ने हमें ये दे दिया वो दे दिया, फिजिकल चीजें जो उनको मिलती है, और वो लोगों के सामने इसे ब्लेसिंग के रूप में जब पेश करते हैं, ये चीज उन लोगों के लिए जो उनके द्वारा इन सब बातों को विश्वास करने लगते हैं, उनके ठोकर खाने का कारण बनती है। इसलिए ये स्टडी बहुत आवश्यक हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। शारीरिक स्वभाव वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक कार्य नहीं करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जितने भी फिजिकल नेचर वाले, फिजिकल माइंड वाले लोग आपको मिलेंगे, जैसे शाऊल बादशाह, ये शाऊल अभिषेक के कारण ही तो राजा बना था, लेकिन कितना समय उसके जीवन में वो अभिषेक काम किया? बहुत जल्दी, बस एक दो इंसिडेंट के बाद वो जमीन पे आ गया। ऐसे ही फिजिकल नेचर वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं करता है, फेल हो जाता है। पहला सैमुएल उसका 12 अध्याय का 12 से 15 पद पढ़ दीजिए, पहला सैमुएल 12 अध्याय 12 से 15 पद। जी, और जब तुमने देखा कि अमोरियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा, और उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है, अब यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वो जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा की पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। परमेश्वर दिखा के बात कर रहा है कि नहीं? आज कितने विश्वासी ये देखकर सीख रहे हैं, सब अपनी भावनाओं में फंसे हुए हैं,
प्रचारक अपनी भावना से प्रचार कर रहा है, सुनने वाला अपनी भावना से सुन रहा है, इसीलिए तालमेल नहीं बैठेगा। परमेश्वर के वचन को आपको परमेश्वर के नजरिए से एक्सेप्ट करना होगा, और इसीलिए पुराने नियम में ये पिक्चर्स रखी हुई है ताकि हम इन्हें सीखे जाकर। राजा शाऊल एक बादशाह था, एक ऐसा बादशाह जो शारीरिक तौर पर बहुत मजबूत था। इसको आप देखिए पहला सैमुएल 9 अध्याय का 2 पद पढ़िए, क्यों इसको बादशाह चुना गया। आज इसी प्रकार के लोगों को हम अपने जीवन में अपना राजा बना रहे हैं। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इसराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग, यानी सारे इसराइलियों का साइज उसके कंधे तक था। वो सबसे ऊंचा व्यक्ति था। डील-डोल खूबसूरती, फिजिकल खूबसूरती और फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्टेचर, ये आज संसार में रह गया केवल देखने के लिए। लोग इन्हीं को राजा मान लेते, इनकी आज्ञा मानने लगते, जिसको देखते हैं ये हमसे ज्यादा बलशाली, हमसे ज्यादा सुंदर, हमसे ज्यादा बुद्धिमान, हमसे ज्यादा खूबसूरत, ये उसी को अपना जीवन समर्पित करते हैं। या ऐसे इंसान, ऐसी प्रजा है। परमेश्वर जो प्यार करने वाला है, जो धीरज से बात करता है, जो आपको मौका देता है अपने मन को परिवर्तित करने का, उसकी बात ही ना आते, फोर्सफुली आपसे कोई कुछ काम करा ले उसके अंडर में आ जाते हैं। ये देखने को मिलता है कि फिजिकल नेचर को, फिजिकल स्टेचर को मनुष्य कैसे पसंद करता। और ये इसराइलियों का चुनाव था अपने लिए राजा, उसका फिजिकल स्टेचर बताया गया। वो एक आदर्श राजा प्रतीत होता था, लेकिन शाऊल अपने पापी स्वभाव से नियंत्रित व्यक्ति था। इन सब चीजों के बावजूद वो पापी स्वभाव से नियंत्रित व्यक्ति था, वो आध्यात्मिक विचार वाला व्यक्ति ना था, इसलिए उसका उसका शासन भी उसी तरीके का था, अर्थात ईश्वर उसके विचारों में नहीं था। वो ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को प्रसन्न करने के लिए जीता था। रोमियों की पत्री 8 अध्याय का 8 पद पढ़िए, यहां से हम नए नियम को कनेक्ट करके देखते हैं। रोमियों की पत्री 8 अध्याय का 8 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कैसे पता चलता है? हमने शाऊल के, राजा शाऊल के जीवन से इस बात को देख लिया कि शारीरिक व्यक्ति अगर राजा भी बन जाए तो भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वह अपनी इच्छा को ही पूरा करेगा, जैसा कि हम लोग आज कर रहे हैं। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की, फिर से पढ़ दीजिए, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये नए नियम में लिखा हुआ है एक लाइन में। अगर आप सिर्फ यहां से पढ़ेंगे आपको कभी नहीं समझ में आएगा, आपको पुराने नियम में जाकर सीखना पड़ेगा। यही तो पवित्र आत्मा करता है, सत्य को दिखाकर हमें सत्य समझा रहा है। जैसा कि हम पहला सैमुएल 10 अध्याय उसके 6 पद को पढ़िए, पहला सैमुएल 10 अध्याय उसके 6 पद को पढ़िए, 6 और 7 को पढ़िए, 10 अध्याय का 6 पद और 7 पद, पर यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत यानी भविष्यवाणी करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई दे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। ये उसको निर्देश दिया गया था। अब इसी का 10 पद पढ़िए, 7 अध्याय के बाद 10 पद पढ़िए, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको यानी शाऊल को मिला और परमेश्वर का आत्मा किस पर? शाऊल पर बल से उतरा
और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा, यानी भविष्यवाणी करने लगा। अब हम इसमें ये जो पढ़ रहे हैं आपको बहुत गंभीर यानी एक मुद्दा बता रहे हैं अभिषेक को लेकर। आज के जमाने में, संसार में, आज के जो यानी सो कॉल्ड बिलीवर्स हैं वो आपसे और हमसे बहस करते हैं अभिषेक को लेकर, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को, जिसे वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, यानी पुराने नियम को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, और नए नियम में कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसलिए वो पुष्टि कहीं से नहीं होती है। वो आपसे बहस करेंगे अभिषेक के विषय में। एक मुद्दा यहाँ पर बहुत सीखने को मिलता है, बिना परमेश्वर के अभिषेक के कोई राजा नहीं बन सकता। बोलिए हाँ। राजा शाऊल पर परमेश्वर ने इसको अभिषेक करवाया था, परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया था। परमेश्वर अभिषेक किसी को नहीं करता। पहली बात, हमने आपको पहले से बताया कि परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा ही काम करता पृथ्वी पर। वो व्यक्ति जिसने जिसके द्वारा परमेश्वर ने राजा शाऊल का अभिषेक किया था वो कौन था? सैमुएल, भविष्यवक्ता, परमेश्वर का चुना हुआ, गॉड्स चूजन पर्सन, और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। लेकिन क्या परमेश्वर ने अपनी ओर से उसको यह अभिषेक करने के लिए भेजा था, या लोगों के कारण परमेश्वर ने उसको अलाउ किया था कि जाकर उसका अभिषेक कर दो? लोग डिमांड लोगों की थी कि राजा शाऊल को राजा बनाओ हमारे ऊपर, तो परमेश्वर ने उसको अलाउ कर दिया था कि जाकर अभिषेक कर दो, ये सफल नहीं होगा ये अभिषेक। और राजा शाऊल के जीवन में वो अभिषेक कैसे फेल हुआ ये हम लोगों को सीखने को मिलता, बिकॉज ऑफ हिज कार्नल नेचर, उसके उस शारीरिक स्वभाव के कारण परमेश्वर उससे प्रसन्न ना था, और ना शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएगा। ये सारी बातें हमको एक साथ देखने और सीखने को मिलती है इस एपिसोड में। और यहां पे हम देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर एक विशेष तरीके से आई थी। क्या इसका मतलब यह है कि शाऊल एक आध्यात्मिक व्यक्ति था? यह गंभीर प्रश्न हो जाता है। नहीं, ऐसे ही आज बहुत से विश्वासी हैं, ऐसे यही स्टेज है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ नहीं था। उस युग में, यानी पुराने नियम के इस युग में, जब परमेश्वर की आत्मा उन लोगों पर आई जो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं थे, इसको हम आपको दिखा सकते हैं पहला सैमुएल 19 अध्याय का 18 से 24 पद में। यहां पर सीखिए कि आप परमेश्वर की आत्मा उन लोगों पर भी आई जो आध्यात्मिक नहीं थे। ऐसा आज भी हो रहा है। दाऊद 19 अध्याय, पहला सैमुएल 19 अध्याय 18 पद से 24 पद तक। जी, दाऊद भाग कर बच निकला और रामा में सैमुएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया, और सैमुएल जाकर नबायोत में रहने लगे, जो शाऊल को, जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे और शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबायोत में नबूवत करते हुए और सैमुएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा। तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूत करने, यानी जिसको पकड़ लाने को भेजा था वो जब उस माहौल में गए
तो वो भी नबूवत करने लगे, यानी परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उनके अंदर भी आ गया। क्या ये आध्यात्मिक थे? आपको मालूम है कलीसिया में जहां पर परमेश्वर का अभिषेक होता है वहां पर आने वाला हर व्यक्ति उस अभिषेक का पाठ उसके जीवन में काम करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब आध्यात्मिक हो गए, सब आत्मिक हो गए। ये वाली चीज आप यहां से सीखिए, ये आपको नए नियम में कहीं भी नहीं मिलेगा इंसिडेंट। जी आगे, इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे, और वे भी यानी जितने लोग जा रहे थे वो एनवायरमेंट पे जाकर वो प्रोफेसी करने लगे, यानी परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक काम करने लग रहा था। जी शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वो आप ही रामा को चला और उस बड़े गढ़े पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शैमुएल और दाऊद कहां है? किसी ने कहा वो तो रामा के नबायोत में है। तब वो उधर अर्थात नबायोत के रामा को चला, रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और रामा के नबायोत को पहुंचने पर वो भी पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शैमुएल के सामने नबूवत करने लगा और पृथ्वी पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा। ये क्या हो गया? इस कारण से कहावत चली, क्या शाऊल भी ये कहावत चल गई थी, शाऊल भी नबियों में से। क्या आप बताइए शाऊल प्रॉफिट है? क्या परमेश्वर का आत्मा इस पर वाकई में उतर रहा है? नहीं। इसी प्रकार बहुत से फिजिकल माइंड के लोगों पर भी आपको इस प्रकार का अभिषेक मिलेगा अगर वो किसी पवित्र आत्मा से प्रेरित कलीसिया में पार्ट लेंगे तो प्रभाव आपको दिखेगा। यही है, दिस इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट बट नॉट वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, ये पवित्र आत्मा के का प्रभाव दिखाई दे रहा है जैसे यहां पर आपने देखा। अब इस चीज से अब एक पॉइंट और सीखने को मिलता है कि उस युग में तो ये बहुत होता था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग आध्यात्मिक थे या स्पिरिचुअल थे। याद रखें परमेश्वर की आत्मा एक गधे पर भी एक विशेष तरीके से आ सकती है। पढ़ लीजिए गिनती की पुस्तक 22 अध्याय का 28 पद, गिनती की पुस्तक 22 अध्याय का 28 पद। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी। देखिए गधी का मुंह खोल दिया इंसान की बोली बोलने के लिए, ये काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। तो इसका मतलब तो गधी पर भी पवित्र आत्मा आ गया? नहीं, ये एक परमेश्वर के विशेष कार्य करने का तरीका है। समय समय पर परमेश्वर ने किस तरीके से लोगों से बातें की उसका ये एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि गधा आध्यात्मिक है? यही बात हमें आज समझनी है। सब लोग कैसे ये पवित्र आत्मा सब लोग कैसे पवित्र आत्मा में आ सकते हैं? होली स्पिरिट एज अ पर्सन कलीसिया में काम कर रहा है और सब विश्वासी जो उसके संपर्क में आ रहे हैं वो पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। अब ये मुद्दा कुछ समझ में आने लायक हुआ होगा। फिजिकल पर्सन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उसका अभिषेक काम नहीं करता है जब तक कि वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा का काम मालूम है क्या है? व्यक्ति को शारीरिक स्वभाव से आत्मिक स्वभाव में परिवर्तित करना ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन के द्वारा
काम कर सके। यदि कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार करना है और यही कार्य वो कलीसिया के द्वारा कर रहा है। आप कलीसिया में अपने स्थान पर बने रहिए और पवित्र आत्मा के द्वारा जो सिखाया जा रहा है उसके द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में से उन चीजों को देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर के और आपके रिश्ते के बीच में, जो कि हमारी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ संबंध पर निर्भर करता है। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे आत्मिक रिश्ते में रूढ़ा बन रही है। पवित्र आत्मा वचन रूपी आईने के द्वारा हमें इन सब चीजों को प्रकट करता है ताकि हम देखें। हमें करना कुछ नहीं, हम उसको दूर नहीं कर सकते। हम इन चीजों को देखें और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से इन सब चीजों को निकलने में अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारी सहायता करे ताकि हम भीतरी मनुष्यत्व में नई सृष्टि बन सके, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकोगे। हमें फिजिकली कुछ नहीं करना है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमें वो आईना दिखाता है, हमारी आत्मा का आईना, तो हमें उस आईने में देखकर अपनी दशा को परमेश्वर के आगे रखना है और परमेश्वर की सहायता रिसीव करके हमें बोल्ड स्टेप उठाना है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हों और अपनी इच्छा को किनारे रखकर हम परमेश्वर की आज्ञा माने ताकि हमारा जीवन उसकी इच्छा और महिमा के योग्य बन सके और सारी महिमा उसको मिले। आज्ञा मानना केवल आधार है मसीही जीवन में, केवल एक ही आधार है, ओबीडियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं एक एक बात के लिए, एक एक विषय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपनी जिंदगी को और सब सुनने वालों के जीवन को और सब इस उन लोगों को जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कहते हैं और मानते हैं, हर उस व्यक्ति के भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे और हम सब को उस परमेश्वर पिता का और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाए ताकि हम सब का जीवन उसकी इच्छा और महिमा को प्रकट करें ताकि उसकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।